की शान होटल ओबेरॉय एक बार फिर आपकी अगवानी के लिए तैयार है। मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के करीब 17 महीने बाद बुधवार को होटल दोबारा खोल दिया गया। 26/11 को हुए आतंकी हमले में ओबेरॉय होटल को काफी नुकसान हुआ था। आतंकवादियों ने पूरे होटल को तहस नहस कर दिया था। होटल के हर कोने से भले ही आतंक के जख्मों को मिटाने की कोशिश की गई हो, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों के जहन में आज भी वो खौफनाक यादें ताजा हैं। ओबेरॉय होटल को फिर से तैयार करने में करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए गए हैं। इस होटल के सिर्फ एक कोने को छोड़कर सब कुछ नया कर दिया गया है। जिसे नहीं बदला गया है वो है इटालियन रेस्टोरेंट वित्रो। इतना ही नहीं, होटल में सुरक्षा के भी इंतजाम पहले के मुकाबले कड़े कर दिए गए हैं। हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। विद्या, मुंबई आज तक। कोलंबिया में दो हेलीकॉप्टरों की आसमान में टक्कर। हादसा तब हुआ जब हेलीकॉप्टर उतरने की कोशिश में था और सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की तैयारी में। पलक झपकते ही हवा में हो गया एक भयानक हादसा। दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। ये हादसा दक्षिण पश्चिम कोलंबिया के तोलिमा में हुआ। इस हादसे में सेना के 6 अफसरों की मौत हो गई। ये दल एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर था। Fallecieron integrantes de nuestras fuerzas armadas que se encontraban allí en una operación muy importante contra el terrorismo. इस हादसे में मरने वालों में ज्वाइंट टास्क फोर्स सदन तोलिमा के कमांडर और दो कर्नल भी शामिल हैं। हादसा कैसे हुआ अभी इसका पता नहीं चला है। आज तक ब्यूरो।